बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केएफसी स्टाइल चिकन, जिसके लिए मैंने ये लेग पीसेस लिए हैं। इसे आप ड्रमस्टिक भी कह सकते हैं। ये मैंने लेग पीसेस लिए हैं, इनको हम इधर से एक एक कट लगाएंगे। नमक एड टू टेस्ट, दही है हमारे पास, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड लेमन। लेग पीसेस हमारे पास तकरीबन 600 ग्राम है, यानी कि हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इनको हम यहाँ से कट लगाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। एक या दो दो कट लगा लें। इसी तरह से सारे लेग पीसेस को हम कट्स लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये सारे लेग पीसेस को हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें शामिल करेंगे दही। ये तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून लिए हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन है हमारे पास हाफ, नमक आप एड टू टेस्ट शामिल करें, मैं इसमें हाफ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। इसमें नमक थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि इसमें तेज नमक अच्छा नहीं लगता। अब इसे यूं अच्छे से इसमें मिक्स करके सारे लेग पीसेस को लगा देंगे और इसे ओवरनाइट के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। हमने इस मैरिनेशन को इन सारे लेग पीसेस के ऊपर अच्छे से रब कर दिया है। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन लेग पीसेस को हमने ओवरनाइट मैरिनेट कर लिया है, ये अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। अब हम इसकी पाउडर कोटिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमारे पास इन्ग्रीडियंट्स हैं। मैदा 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, चावल का आटा 1 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्स 1 टेबलस्पून, ज़ीरा हसबे ज़ायका, नमक हसबे ज़ायका, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून एंड रेड चिली हाफ टेबल स्पून। अंडे को इस तरह अच्छे से फेंट लें। मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम 1 बाय 1 ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इसमें वैसे भी नमक थोड़ा सा कम डालते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाउडर कोटिंग तैयार हो गई है। अब हम 1 बाय 1 इन सारे लेग पीसेस को अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे लेग पीसेस को अच्छे से कोटिंग कर लें। अगर लेग पीसेस थोड़े छोटे हों तो आप कट बेशक ना लगाएं। हमने ये कट लगाया है लॉन्ग, तो अच्छे से हम अंदर से इसके अंदर भी कोटिंग भर देंगे। ये सारे लेग पीसेस को हमने कोटिंग कर ली है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 फ्राई करेंगे, लेकिन हम इन्हें कंप्लीट फ्राई नहीं करेंगे, अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएं उससे पहले ही निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया है। अब हम इन लेग पीसेस को फ्राई करेंगे। पहले हम इसमें से हाफ डाल लेंगे, हाफ बाद में फ्राई करेंगे। आंच मीडियम रखें, आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, इस तरह से लाइट लाइट से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। इन्हें हल्का सा हिला लेंगे ताकि इसकी सारी साइडें थोड़ी थोड़ी सी पक जाएं। लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
ये हमने हाफ लेग पीसेस को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के लेग पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ये ड्रम स्टिक्स ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इन्हें ये एग लगा के फिर से कोटिंग करेंगे। अच्छे से इसको कंप्लीट हम एग में लपेट लेंगे, उसके बाद इसे कोटिंग करेंगे। इस तरह अच्छे से इसकी कोटिंग करके इन्हें वन बाय वन फ्राई कर लें। अगेन इसको मीडियम और लो आंच के दरमियान में पकाएं। ये एक साइड से पक चुके हैं, अब हम इसे साइड चेंज करके देखते हैं। मीडियम ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की लग चुकी को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें ड्रमस्टिक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमने इन्हें डबल कोटिंग इसलिए की है ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बने। ये भी बिल्कुल KFC से कम नहीं है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी हैं। हम इन्हें तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल पक चुके हैं अच्छे से। किसी सूरत ये KFC से कम नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये घर पर फ्रेश ऑयल में फ्रेश इन्ग्रीडियंट से तैयार किए गए हैं। आप भी इसे घर पे बनाइएगा और केचप के साथ या अपनी पसंद की सॉसेस के साथ अपने अपनों को खिलाइएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल होमक्राफ्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।